छेदन में किसको बुलाना है, परहों में किसको बुलाना है, किसको पार्टी देना है, किसको नहीं देना है। हाँ या ना? गलत तो नहीं बोल रहा। अच्छा, ये तो हो गई बात पैदा होने की, व्यापार की। पता है जब आदमी आप मरता है, कितने लोग मर चुके हैं? हाँ, मरे कोई नहीं है, लेकिन मरेंगे सब। हाँ या ना? तो फिर घबराना किस बात का? मरना जब फिक्स है तो बिंदास मरना। टेंशन में क्यों मरना? क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे? खाली हाथ आए थे, दुनिया को बहुत कुछ लेके जाएंगे। और आमदनी का फॉर्मूला क्या होता है? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ फैमिली का फॉर्मूला क्या है? ना कुछ लेके आए थे, ना कुछ लेके जाएंगे। बहुत कुछ लेके आए थे, बहुत कुछ लेके। जब मरना है ही, तो अपना 100% लगा के क्यों ना मरे? आप मरने के बाद कितने लोगों को जानते हो कि उनके घर में 10वें, 12वें, 13वें, 14वें दिन के बाद भी लोग रोते हैं या याद करते हैं? कोई जिस दिन मरता है उस दिन आधा एक घंटा लोग रोते हैं, और कुछ तो जबरदस्ती रोते हैं। वो भी रो रहा है, तो मैं नहीं रोऊंगी या नहीं रोऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे? विदाई हो तो रो। अरे पहले इसलिए लोग रोते थे कि पति का पता नहीं होता था कि पति कैसा होगा, सासू का पता नहीं होता था कि सासू कैसी होगी, ससुर का पता नहीं होता था कि ससुर कैसा होगा, घर वालों का पता नहीं होता था घर वाले कैसे होंगे, घर देखी नहीं होती थी कैसा है, ननद कैसी है, लोग कैसे हैं, कुछ पता नहीं होता था। और एज बहुत छोटी होती थी, तो माँ से जब बिछड़ती थी लड़की, तो उसको रोना आता था, मम्मी मुझे लेके जा रहे हैं, मैं कैसे खाऊंगी, कैसे रहूंगी, क्या करूंगी। अभी 35 साल में शादी हो रही है, 30 साल में शादी हो रही है, घर द्वार 20 बार जा चुकी है, एक बार नहीं 20 बार उसके घर जा चुकी है, ससुर को भी जानती है, सासू को भी जानती है, ननद को भी जानती है, और पति को तो कई साल से जानती है। नहीं कर रहे हो, जान लगाए पड़ी थी, अब जब भेज रही हूं तो रो रही हूं। Why? माइंड में सेट है, शादी हो गई, विदा होते समय रोना है। अरे क्यों रोना, खुश मिजाज में जाओ ना यार, हंसते हंसते अच्छे काम में जा रहे हो, बुरे काम में जा रहे हो? आज के बाद मेरी जितनी भी बहनें हैं यहाँ पे, प्रॉमिस करो शादी के बाद जाना तो रोते हुए जाना, ताल ठोक के जाना, जा रही हूं। और ये प्रकृति का नियम है कि किसी न किसी के पास जाना पड़ेगा। हाँ या ना? तो हो सके देखो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, चलो नहीं बोलता। आपको लिस्ट बनाना ही पड़ता है। मैं बता रहा था, मरने के बाद भी लोग लिस्ट बनाते हैं किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है। तो अगर ये काम वर्षों से चलता आ रहा है और यही काम हमारे धंधे में भी करना है, तो ये क्या कोई कठिन काम है? लेकिन
करने में लोग ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि लिस्ट नहीं बनाते। क्या सुना आपने? लिस्ट नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते बताऊं? अच्छा, जब आप शादी करते हो तो सोचते हो कि आएगा ये नहीं आएगा, इसको बुलाऊं कि नहीं बुलाऊं। जब दुकान खोलते हो सोचते हो क्या, ये नहीं आएगा तो क्या होगा, ये नहीं आया तो क्या होगा। आप जाते हो, कार्ड देते हो, इनविटेशन देते हो, आता है तो गुड, खिला देते हो, पिला देते हो, नहीं आता तो नहीं खिलाते, नहीं पिलाते। हाँ या ना? परेशान होते हो, बुलाया था नहीं आया, मैं कैसे धंधा करूं, मेरा मेडिकल का दुकान कैसे चलेगा, मैंने 300 लोगों को बुलाया था, 25 लोग आया, तो खुश होते हो। हाँ या ना? अच्छा हुआ 250 नहीं आए, नहीं तो खर्चा ज्यादा होता। हाँ या ना? माय डियर फ्रेंड, सेम ये धंधा भी है, यहां भी लोगों को बुलाना पड़ेगा, और ना आए तो खुश होना, अच्छा हुआ नहीं आया, साले के भाग्य में पैसा था ही नहीं। क्योंकि जो आ गया ना उसको तो पैसा आएगा ही आएगा। समझ आ रही है? तो यहां भी लिस्ट बनाना पड़ेगा।